to be built at Lok Nayak Jayaprakash Hospital, that is LNJP Hospital. The center will be ready in 30 months. During this, Chief Minister Kejriwal said that Delhi will get world-class medical facility after the establishment of the center. Kejriwal said that in this block of LNJP Hospital, patients will get the best medical facilities in the world, and this is also economical. इकबाल और साथ में यहां मेडिकल डायरेक्टर डीन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी. अब भूमि पूजन का ये अवसर, ये स्वर्णिम अवसर जो दिल्ली की चिकित्सा सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए जिम्मेदार होगा. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय सम्मिलित हो रहे हैं इस बेड का नया चिकित्सा सेंटर बनना. चीजों को समझा जाना आपसे कर रहे हैं. द पीपल इफ यू गिव द गुड हेल्थ केयर, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द सिटीजन, कि हम एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर 1500 बेड का सिंगल ब्लॉक ऐड किया जा रहा है. इसमें खूब किफायत भी की जा रही है, आपको बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी, सबसे बेस्ट, दुनिया के सबसे बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, पूरा एयर कंडीशन्ड होगा और इसका खर्चा लगभग 30 लाख रुपए प्रति बेड है. मतलब एक बेड बनाने का खर्चा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, प्रति बेड खर्चा 1500 बेड है और 450 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो प्रति बेड खर्चा 30 लाख रुपए है. देश के अंदर इस वक्त सरकार में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, कहीं भी जो अस्पताल बन रहे हैं उसमें खर्चा 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड आता है. और दिल्ली सरकार के अंदर जब हम मोस्ट मॉडर्न बेड बनाते हैं तो 30 लाख रुपए का खर्चा आता है. और हमारे हॉस्पिटल सेंट्रली एयर कंडीशन्ड बनते हैं और दूसरे जो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड हॉस्पिटल बनते हैं उनमें शायद एयर कंडीशन्ड और ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती होंगे. तो ये बेसिकली ईमानदारी का कमाल है कि अगर ईमानदार सरकार हो तो पैसे की किफायत होती है, एक एक पैसा बचाया जाता है और वो एक एक पैसा जनता के काम आता है. इस कोरोना काल के अंदर भी